जितने युवा बच्चे बैठे हैं ध्यान से सुनना, अगर काम के बस में तुम हो जाओगे तो किसी की अच्छी बात तुम्हें अच्छी लगेगी नहीं। ये जो लड़के लड़कियां भाग जाते हैं घर छोड़ के, आई कांट लिव विदाउट हिम विदाउट हर, मैं उसके बिना नहीं जी सकता, वो क्या है भैया बताओ ईमानदारी से क्या है? प्रेम है वो? प्रेम भागना सिखाता है क्या? बोलो, प्रेम भागना सिखाता है? लैला मजनू भी नहीं भागे थे, जिनको हम लोग बहुत बड़ा मानते हैं वो भी नहीं भागे थे, वो भी ट्रेन के नीचे नहीं कटे थे, वो भी मंजिल से छलांग नहीं लगाते थे। प्रेम भागना नहीं सिखाता है, प्रेम माँ बाप का अपमान करना नहीं सिखाता है, प्रेम किसी की इंसल्ट करना नहीं सिखाता है, प्रेम किसी के शरीर का भोग करना भी नहीं सिखाता है। आज का युवा प्रेम को जानता नहीं है, सबकी नजरें सिर्फ शरीर पर टिकी है, सबकी, उसे लगता है वो उसका शरीर मिल गया मुझे प्रेम प्राप्त है। ये कोई प्रेम है? ये वासना है। प्रेम तो कहते हैं आजा मेरे सामरे पलक ढांप तो ले ना, मैं देखूं और को ना तो देखने रहा देव, जहां रहो मेरे नंद दुलारे रहो आनंद परमानंद। आप जहां रहो प्रसन्न रहो, आपकी स्माइल हमें सोशल मीडिया पर दिखती रहेगी, हमारा प्रेम का दीपक यूं ही जगमगाता रहेगा, बस तुम मुस्कुराते रहो। प्रेम सामने वाले की प्रसन्नता चाहता है, शरीर नहीं। क्या चाहता है? प्रसन्नता, आनंद, वो मगन रहे, वो खुश रहे, यह है प्रेम। जो मनुष्य कामी होता है वो प्रेमी नहीं हो सकता। कंप्लीट लिख लीजिए इस बात को, जो कामी होगा वो आज तुमसे प्रेम कर रहा है, कल किसी और से करेगा, परसों किसी और से करेगा, उसके बाद तरसों किसी और से, वो कामी है प्रेमी नहीं। और जो सच्चा प्रेमी होगा ना, तुम उससे मिलो न मिलो पूरे जीवन भर सिर्फ तुम्हारी ही प्रसन्नता की वो भगवान से प्रार्थना करेगा, इसे कहते प्रेम। अभी हमें नहीं पता, एक एक्टर है, एक्ट्रेस है, एक एक्ट्रेस, उसने किसी से प्रेम किया था एक्टर से ही, हमने सुना है कि आज तक उसने विवाह नहीं किया फिर, क्योंकि उस एक्टर का विवाह किसी और से हो गया। और जिसका विवाह नहीं, उसने विवाह नहीं किया, क्यों नहीं किया? बोले उसने सच्चा प्रेम किया होगा इसलिए विवाह नहीं किया। ऐसा कहानी कोई न्यूज चैनल पे चला रहे थे, हमारे कान में पड़ गई और आज तक अकेली है। इसका मतलब है उसके प्रेम को स्वार्थी नहीं कह सकते, वो शरीर का भूखा नहीं है प्रेम, वो प्रेम सिर्फ तुम्हारी प्रसन्नता की चाहत रखता है, और उसके लिए कोई मिले न मिले इट डजंट मैटर माय डियर, इसको प्रेम कहते हैं।